उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय बोली शंकर। बस मिटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर। आप यह बच्चे को जो देख रहे हैं, यह किसी आर्मी के लिए नहीं दौड़ा, यह कावड़ है और जल लेकर यह वापस आ रहे हैं। इस तरह से आजकल आपको जगह जगह कावड़ देखने को मिल जाएंगे। और सतपुड़ी के इस बेल्ट में तो काफ़ी गांवों के लोग इस तरह से, काफ़ी 2003 या 4 से हम कहें तो लगातार इस तरह का जल लेकर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सावन का इस महीने में कावड़ शहरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और जल भरकर शिव को चढ़ाते हैं। हमारे उत्तराखंड में इस तरह का माहौल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, परंतु सावन के शिवरात्रि के अवसर पर निहार क्षेत्र सतपुली एवं आसपास गांव के सैकड़ों शिव भक्त काफ़ी सालों से डाक कावड़ लेकर दंगलेश्वर महादेव में मंगलवार को पहुंचे और हरिद्वार से पैदल चलकर यह डाक कावड़ गंगा जल लेकर शाम को यहां पहुंचे। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग को जल अर्पित करके जब शिव भक्तों ने आज शिवलिंग को जलाभिषेक किया, तो पहले दंगलेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह नेगी ने कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। वही सतपुली के प्रमुख समाजसेवी सुंदर सिंह चौहान की तरफ से भोजन एवं जलपान की व्यवस्था उनकी तरफ से हर वर्ष की भांति की गई और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। जय बोले। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की यह रिपोर्ट। महादेव की जय। बोल तारकेश्वर महादेव की जय। अपने बड़ों के देव महादेव की जय। आपने विचार रखे हैं, यहाँ पे सम्मान दिया है लोगों को, कावड़ यात्रा युवाओं को कैसा अनुभव कर रहे हैं, कितने सालों से चल रहा है? देखिए, लगभग अगर बात की जाए तो 2003 से पैदल कांवड़ यात्रा चल रही है और डाक कांवड़ यात्रा भी कई सालों से यहाँ पर चल रही है। दोनों यात्राएं बिल्कुल जो धार्मिक रूप से चलती है, धार्मिक जो अनुष्ठान है, सांस्कारिक भी अनुष्ठान है। ये धार्मिक के साथ साथ सांस्कारिक अनुष्ठान जो दंगलेश्वर महादेव मंदिर के जितने भी शिव भक्त हैं, मैं धार्मिक के साथ साथ सभी सांस्कारिक है और एक कुछ ना कुछ संदेश वो देते हैं, क्योंकि ये जो दिनचर्या होती है पूरी 4 दिन की 5 दिन की जो दिनचर्या है, बड़ी त्याग की दिनचर्या है। आपका नाम क्या है? नैन सिंह बोले। कौन सा गांव है? गांव बड़कुल। अच्छा, बड़कुल। कितने किलोमीटर यात्रा रही आपकी? 120 से 130 के लगभग है श्रीमान यात्रा में। कोई दिक्कत भी है यात्रा में? ना श्रीमान, दिक्कत कोई नहीं। कितने लोग होंगे आप लोग? हम 80 लोग बोले, सब साथ ही थे जी श्रीमान ने। हम सब साथ ही। जल कल चढ़ेगा? जल कल चढ़ेगा। भगवान बहुत शक्ति देते हैं और ये हमेशा जिंदगी जब तक लोगों जिंदगी रही तब तक ये यात्रा करते रहे और हम यहाँ इन लोगों ने काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। कई जब से काम चली है तब से हमको ले गाड़ी देते रहते हैं और बार हम भी उसके बाद ऊपर वहाँ पे पैर तो हरिद्वार पैदल पूरा आए पैदल गए तो ट्रक में। कितने किलोमीटर हुई यात्रा? लगभग 130। ठीक है, दर्द दर्द नहीं हो रहा? पहली बार क्या? अच्छा, कैसा मिला मन में प्रेरित करने का कि कावड़ यात्रा में जाने? कुछ लग रहा है मतलब कोई शिकायत नहीं चाहिए? अच्छा लग रहा। सत्यनारायण बेदी। बेदी जी, पिछले 2 सालों में मेरे ख्याल कोविड के दौरान तो नहीं, पिछली बार थी यात्रा? बिल्कुल 2 साल तक बिल्कुल स्थगित थी ये यात्रा। और कितने सालों से आपकी कांवड़ यात्रा चल रही है? हमारी 2003 से यात्रा चल रही है और ये 2022
दल में इस बार काफी लोग दिख रहे हैं, ये पहले से इतने लोग थे कि पहले से ही लोग इतने जुड़ते चले जा रहे हैं, पहले थोड़े कम थे, अब धीरे धीरे ज्यादा, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उत्साह भी काफी दिखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा अनुभव? और बहुत ही सुंदर यात्रा रही, कष्ट भी हुए हैं, तमाम कष्ट हुए हैं, नहीं बोला जा सकता बहुत, लेकिन भोलेनाथ ने बहुत ही सुंदर यात्रा। नीलम जी, आपको सावन के दूसरे सोमवार की पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बड़े अंतर के बाद आप मेरे चैनल में आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यू में आ रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ पे भारी संख्या में डाक कांवड़ और अन्य कांवड़ भी यहाँ पे आए हैं, और क्या कहेंगे इनके बारे में और आज की क्या महत्व है दंगल दिवस महादेव में कांवड़ यात्रा पे? आप भी पहुँचे हैं, आपका नाम नीलकंठ जब लगता है तो अपने आप में एक भावना जागृत होती है शंकर भगवान के प्रति। जी, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और दंगेश्वर बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ये जो श्रावण मास है ये महादेव को बहुत प्रिय है। ऐसा पूरा नाम क्या? नाम मेरा नाम सुनील लंडियाल, और यहाँ पर जो समय शिव भक्तों की यात्रा चल रही है सावन के पवित्र माह में, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा में काफी उत्साह से सभी भोलों ने, शिव भक्तों ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया और यात्रा में चलने के लिए जिसने उत्साहित, दो साल बाद यहाँ पर देखने को मिला, इतना कभी देखने को नहीं मिला। और अभी हमारी यात्रा चार दिवसीय पैदल और मात्र, और जो दूसरी यात्रा हुई है मात्र। आपका सुनना जय दीपनी की कांवड़ यात्रा के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या रहती व्यवस्था और किस प्रकार इससे महत्वपूर्ण होती है? ऐसा है कि मैं इस समय कांवड़, जो मेरी ये 16वीं कांवड़ है, और पिछले दो साल से मैं कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा नहीं कर पाए। इस बार की यात्रा बहुत अच्छी रही, और जो हमारा ये कांवड़ का नियम है, जैसे हम सुबह अपना उठ के कांवड़ पूजा करते हैं, उसके बाद हम हर की पेड़ी से जल भर के निकलते हैं सुबह, और शाम को जैसे भजन कीर्तन संध्या होती है और हमारी तीन आरतियाँ होती हैं, ये हमारी कांवड़ की पूजा होती है। शाम को हम नहा धो के फिर कांवड़ की पूजा करते हैं, उसके बाद जो प्रसाद हमारा बनता है उसको हम लेते हैं। प्रसाद स्वयं बनता है कि कई व्यवस्थाएं होती है? कहीं व्यवस्था भी होती है और कहीं हम स्वयं भी बनाते हैं। मैं एक चीज़ माफी चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ। आपकी 16वीं कांवड़ यात्रा है ये, और पिछले दो साल कोविड का दौर भी रहा, दो साल आपने यात्रा नहीं की, इस बीच आपके दल में कोई कोविड के दौरान कोई क्षति भी हुई होगी किसी की जो आज आपके साथ में रहा हो? नहीं, सारे जो बोले जो हमारे साथ जाते थे वो तकरीबन सब स्वस्थ। आपका नाम क्या है? पंडित। ये जो कांवड़ यात्रा आज संपन्न हो रही है, ये जल अभिषेक कल किया जाएगा क्या, आज होगा? देखो, नियम से तो शास्त्रों के अनुसार आज शाम को ही होना चाहिए 6:50 के अंतराल में, और ये शिव तेरस चतुर्दशी संयुक्त, त्रयोदशी संयुक्त चतुर्दशी। मंदिर में काफी आज कांवड़ यात्रा आई, मैंने पहली बार इतनी भारी संख्या में देखे। भावनाएं यथा नारायण, जब भावनाएं जागृत होती हैं तो हर जो है कण कण में भी भगवान शंकर की आस्था होती है, इसलिए जन जागरूक इधर के स्थानीय लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। कितने सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं? मैं तो अभी करीब करीब 4-5 साल से डाक कांवड़ में भाग ले रहा हूं, और अब की बार जो हमें डाक कांवड़ का एक अलग ही अनुभव, जो हमारे जितने भी धुरंधर थे, जितने भोले थे, अब की बार इन्होंने पूर्ण तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8.5 घंटे में हरिद्वार, हर की पैड़ी से और दंगलेश्वर महादेव, बहुत बड़ी बात है कि, और सारे ही भोले हमारे ठीक ठाक अवस्था में हैं, कोई चोटिल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी यात्रा रही। यहाँ पे मैं जो हमारे मंदिर समिति जी के अध्यक्ष जी हैं, जो उनका ग्रुप है, उन्होंने सभी शिव भक्तों को एक सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय दंगलेश्वर महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर गंगे, हर गंगे। हम लगभग 4 सालों से हमारे कार्यकाल में ये लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, और मंदिर समिति के द्वारा हर साल इनका इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है, और इस मंदिर समिति के तमाम जितने भी सदस्य हैं सब लोगों का एक सहयोग करके हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, और तमाम यहाँ की देख रेख, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। ये 4 विकास खंडों का केंद्र बिंदु है, और 4 विकास खंडों से शिव भक्त यहाँ
अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाते हैं। और आज हमारे इस जीवन काल में सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ अपनी मदद की है, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी हुई हैं। इसके जीके जागते उदाहरण मैं कहीं बता सकता हूँ, और मैं भी स्वयं हूँ। नानी को तो गंगोत्री से भी लाए, गौमुख से भी लाए, हरिद्वार से लाए, देवप्रयाग से लाए, सभी जगह लाते हैं, 15-20 साल से लगातार ला रहे हैं। और गंगा जल तो हम यहीं शिवालय में चलाते हैं, यहीं अपने सलेश्वर महादेव में चलाते हैं, गंगा जल यहीं चलाते हैं। जैसे 2 साल कोरोना का काल था तो मेरे ख्याल से आपकी यात्रा 2 साल नहीं हुई? नहीं, हम लाए देवप्रयाग, वहाँ से लाए ब्यासठ से, दोनों साल। तो आज क्या क्या है, भंडारा है मंदिर? गाँव में भंडारा है, सामने भंडारा दे रहे हैं सभी लोग जी, और सभी की उसमें वह क्या कहते हैं अपने सारा कहता है सबके उसमें। तो रात भर आप यहाँ मंदिर में पड़े? हाँ, रात को यहीं मंदिर में रहे, यहीं रहते हैं रात को, कीर्तन भजन था कल, कीर्तन में आज फिर कीर्तन भजन है, सब जाते हैं। पूरा नाम है मनोज जी आपका? मेरा नाम मनोज नथानी। कौन से मंदिर में आपने आज गंगा जल विसर्जित किया है, और कांवड़ यात्रा कितने सालों से कर रहे हैं, थोड़ा बताने का? ये हम लगभग 9-10 सालों से चल रहे हैं। कितने लोग गए थे? अभी तो हम हरिद्वार यहाँ से 4 लोग गए थे, और कुछ जो हमारे साथी थे वो देवप्रयाग गए थे, 8-10 भोले देवप्रयाग गए थे। रास्ते में कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं? बहुत अच्छी यात्रा रही भोलेनाथ की कृपा से। और हम इससे पहले भी हरिद्वार से पैदल आते थे, 4-5 सालों में लगातार हरिद्वार से लाए गंगा जल, और वहाँ भी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और पिछले विगत वर्षों से हम गंगोत्री से लाया करते थे, लेकिन इस बार हम गंगोत्री नहीं जा पाए, तो इस बार हमने हरिद्वार का ही प्रोग्राम बनाया। जय प्रणाम। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा,